बुगाटी के पीछे की कहानी सफलता और त्रासदी से भरी हुई है। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने के लिए हमें एक सदी पहले जर्मनी के एक घर के तहखाने में जाना होगा। एटोरी बुगाटी ने अभी अपनी कार का निर्माण पूरा किया ही था कि उसने अपनी नौकरी छोड़ने और अगले कुछ वर्षों के दौरान फ्रांस में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने नाम से कुछ सबसे तेज और सबसे शानदार कारों का निर्माण किया। अपने समय के सबसे अच्छे इंजीनियर होने के बावजूद यह सब रातों रात बिखर गया जब एटोरी बुगाटी को अपनी कंपनी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह जाने बिना कि बाद में यही बुगाटी ब्रांड कितना बड़ा ब्रांड बन जाता है। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लें क्योंकि हम जा रहे हैं बुगाटी की अविश्वसनीय सफलता और पतन के रास्ते से होकर हाइपर कारों का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड बनने तक के सफर पर। एटोरी बुगाटी का जन्म 15 सितंबर 1881 को इटली के मिलान शहर में एक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता कार्लो बुगाटी मिलान शहर में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध फर्नीचर और गहनों के डिजाइनर थे, जबकि उनके दादा एक प्रसिद्ध वास्तुकार और मूर्तिकार थे। कला के लिए यह जुनून और प्रतिभा उनके परिवार में गहरी थी और इसे एटोरी के छोटे भाई रेम्ब्रांट को दे दिया गया था। रेम्ब्रांट एटोरी से 3 साल छोटा था, लेकिन पहले से ही अपने बड़े भाई से कई गुना बेहतर मूर्तिकार था। कई इतिहासकारों का मानना है कि रेम्ब्रांट की प्रतिभा के कारण ही एटोरी मूर्तिकार नहीं बन पाए और अपने परिवार के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए, लेकिन फिर भी उनकी यह कलात्मक विरासत उनके लिए एक बिल्कुल अलग तरीके से उपयोगी साबित होती है। छोटी उम्र से ही यह स्पष्ट था कि एटोरी बचपन से ही इंजीनियर थे। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के वे जटिल से जटिल डिजाइन बनाने में सक्षम थे। 16 साल की उम्र में एटोरी ने अपने पिता की निगरानी में एक टूटी साइकिल की मरम्मत की। कार्लो ने तुरंत अपने बेटे की प्रतिभा को पहचान लिया और इसीलिए उसे प्रिनेटी एंड स्टुची नाम की एक फैक्ट्री में ट्रेनिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि उस समय सिलाई मशीन और साइकिल बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। एटोरी राजी हो गए और उन्होंने फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। 1 साल बाद 17 साल की उम्र में एटोरी ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी खुद की मोटर ट्राईसाइकिल डिजाइन की। पेरिस से बोर्डोक्स तक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल को डी डायन द्वारा बनाए गए 2 इंजनों द्वारा संचालित किया जाता था। प्रिनेटी एंड स्टुची कंपनी में एटोरी को काम करने देना एक अच्छा विचार था, जिसने एटोरी के आंखों के सामने पूरी नई दुनिया खोल दी। एक ऐसी दुनिया जो कि मैकेनिकल डिजाइन, ऑटोमोबाइल्स और स्पीड से भरपूर थी। सन 1900 में जब वे 19 साल के थे, तब उन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखने के बाद प्रिनेटी एंड स्टुची कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कार बनाने के लिए निकल पड़े। वह एक परफेक्शनिस्ट था और वह अपनी कार के इंजन से लेकर बॉडी पार्ट्स तक सब कुछ खुद से डिजाइन करता था। वह अपनी कार में इस्तेमाल किए गए सभी पुर्जों का निर्माण खुद से ही सुपरवाइज करता था। वह एक बहुत ही सटीक आदमी थे और उनका गणित भी इतना सटीक था कि उनके द्वारा बनाए गए डिजाइन उस समय के सबसे बड़े इंजीनियर्स को भी बहुत जटिल लगते थे। उनकी प्रतिभा ने आखिर में डाइट्रिच कंपनी का ध्यान आकर्षित किया, जिनकी फ्रांस और जर्मनी में फैक्ट्रीज थी। एटोरी कंपनी के लिए वाहन बनाने और डिजाइन करने का काम करते थे। कम उम्र के बावजूद उन्होंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट 19 साल में हासिल किया और क्योंकि वह अभी भी नाबालिग थे, इसलिए उनके पिता को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हस्ताक्षर करना पड़ा और इस कारण एटोरी को मिलान से निकलकर जर्मनी के नीडरब्रॉन लेबॉन्स नाम के शहर में जाना पड़ा। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑटोमोबाइल्स बनाने की अपनी कला को निखारने और यहां तक कि कार रेस में प्रवेश करने के बारे में और अधिक सीखने का प्रयास किया। 1903 में उन्होंने पेरिस मैड्रिड रेस के लिए अपनी दूसरी कार बनाई, लेकिन यह कार अपने समय से इतनी आगे की थी कि इसे रेस करने की परमिशन ही नहीं मिली। एटोरी ने ड्राइवर और इंजन दोनों को कार के चेचिस में नीचे रखा, क्योंकि यह कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एरोडायनेमिक्स के लिए ज्यादा बेहतर था। हालांकि बाकी सभी को यह सब बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस समय हर दूसरे कार डिजाइनर का मानना था कि ऊपर बैठना ही सही तरीका है, लेकिन उनका यह भ्रम जल्द ही टूटने वाला था जब एटोरी की सीटिंग स्ट्रेटजी बेहद कारगर साबित होने लगी। 1906 में एटोरी ने फैसला किया कि यह डाइट्रिच को छोड़ने का बिल्कुल सही समय है। उस समय के ऑटोमोबाइल्स बेहद कुशल कारीगरों द्वारा बहुत ही बारीकी से बनाए जाते थे, इसलिए वे बहुत महंगे थे और केवल आमतौर पर कुछ अमीर लोगों द्वारा ही खरीदे जा सकते थे। ज्यादातर समय कारों का उपयोग रेसिंग के लिए किया जाता था, जो तेजी से पूरे यूरोप और अमेरिका में एक लोकप्रिय खेल बनता जा रहा था।
1907 में एटोरी की मुलाकात बारबरा जोसेफीना मकीरा से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। उसी वर्ष एटोरी ने कलोन जर्मनी में गैसोलीन इंजन निर्माता डीट्स के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। डीट्स में अपने समय के दौरान एटोरी कंपनी के लिए बड़े पैमाने पर और भारी भरकम इंजन बना रहे थे, जो उस समय डिमांड में थे। लेकिन इसी बीच उन्होंने अपने खुद के इंजन बनाने का आइडिया भी खोज लिया था, ऐसे आइडियाज जो उस समय के ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल सकते थे। एटोरी का मानना था कि वे बेहद हल्के वाहन का निर्माण कर सकते हैं, जो कि छोटा और हल्का दोनों होगा, और ऐसी कार बहुत बड़ी इंजन वाली दूसरी कारों से बेहतर प्रदर्शन करेगी। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने घर के तहखाने में ऑटोमोबाइल्स पर काम करना शुरू कर दिया, और इस नई कार का नाम उन्होंने बुगाटी टाइप 10 रखा। आखिरकार 1909 में बुगाटी टाइप 10 बनकर पूरी हुई, और इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन था, जिसका वजन केवल 365 किलोग्राम था। यह दो सीटों वाली कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम थी, जो कि उस समय एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। अब तक एटोरी ने नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया था, और वह अपनी नई कार को चलाकर मोलशाइम के अल्सेटियन शहर में ले गए, जहां पर उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ऑटोमोबाइल एटोरी बुगाटी की स्थापना की। एटोरी अपनी कार की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए रेसिंग कॉम्पिटिशन्स का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से एक थे। ऐसा करने से उनकी डिजाइन की गई कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी, और रेसिंग कॉम्पिटिशन्स जल्द ही दूसरी कारों के प्रदर्शन का जरिया बन गए। 1909 बुगाटी के जीवन का सबसे खुशहाल और महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि उसी साल उन्होंने टाइप 10 को कंप्लीट किया, कंपनी की स्थापना की, और उनके पहले बेटे जीन बुगाटी का जन्म हुआ। एक शानदार कार होने के बावजूद एटोरी ने बुगाटी टाइप 10 में अधिक सुधार करने का फैसला किया, और टाइप 10 के बाद आने वाली थी बुगाटी की अब तक की सबसे लोकप्रिय कार टाइप 13। बुगाटी ने अपनी पुरानी कार के रियर एक्सल में लीफ स्प्रिंग जोड़कर और प्रति सिलेंडर 4 वाल्व अपनाकर 16 वाल्व सिलेंडर हेड डिजाइन तैयार किया, जिसका मतलब था कि नई टाइप 13 300 किलोग्राम की चेचेस को पावर करने के लिए आसानी से 30 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकती थी। इसी के साथ नई टाइप 13 ने 1911 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में एक सम्मानजनक दूसरा स्थान हासिल किया। दुनिया में सबसे अच्छी कार डिजाइनरों में से एक के रूप में बुगाटी के नाम को और पुख्ता करते हुए बुगाटी ने टाइप 13 से टाइप 23 तक अपने सेम इंजन डिजाइन के आधार पर दूसरे मॉडलों पर काम करना जारी रखा। हालांकि जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो पूरी दुनिया रुक गई, और इसी के साथ बुगाटी की कारों का उत्पादन भी रुक गया। 1.5 साल तक चले युद्ध को देखने के बाद एटोरी के पास वापस मिलान और फिर पेरिस जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, जहां उन्होंने 1915 और 1916 के बीच ड्यूसेनबर्ग ब्रदर्स के साथ काम किया और U16 नामक इंजन विकसित किया। ये बेसिकली एक क्रैंक केस साझा करने वाले दो स्ट्रेट लाइन इंजन्स थे, जिन्हें बुगाटी U16 कहा जाता था। U16 विशेष रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने बुगाटी और ड्यूसेनबर्ग ब्रदर्स को ओवरहेड कैमशाफ्ट और स्ट्रेट इंजन डिजाइन बनाने के लिए प्रेरित किया। युद्ध समाप्त होने के बाद एटोरी मोलशाइम वापस चले गए, जो अब तक फ्रेंच टेरिटरी का हिस्सा बन गया था, और उन्होंने हल्की स्पोर्ट्स कारों का निर्माण जारी रखा। उन्होंने टाइप 13 में मल्टी वाल्व इंजन लगाकर एक्सपेरिमेंट किया, और परिणाम अविश्वसनीय था। उनकी नई कार ने उन्हें 1920 में 24 आवर्स ऑफ ले मैंस में जीत दिलाई। इसके बाद कार ने 1921 में ब्रेशिया में 3 और जीत हासिल की, और जल्द ही इस कार को बुगाटी टाइप 13 ब्रेसिया के नाम से जाना जाने लगा। जीत का सिलसिला 1925 तक जारी रहा। बुगाटी टाइप 13 ब्रेसिया 400 से अधिक जीत दर्ज कर चुकी थी। बुगाटी टाइप 13 ब्रेसिया के 2000 प्रोटोटाइप 1926 से पहले बनाए गए थे, जो इसे अब तक की सबसे सफल बुगाटी कारों में से एक बनाता है। 1924 में बनी बुगाटी टाइप 35 एटोरी ने लियोन में ग्रैंड प्रिक्स में प्रस्तुत की, और उनकी नई कार जल्द ही बुगाटी की सबसे सफल रेसिंग मॉडल बन गई, जिसने अपने जीवन काल में 1000 से अधिक रेस जीती। रेस कारों के विभिन्न मॉडलों के साथ प्रयोग करने के बाद एटोरी और उनके पहले बेटे जीन बुगाटी ने लग्जरी कार बिजनेस में जाने का फैसला किया।
उन्होंने एक साथ नए वाहन पर काम करना शुरू कर दिया और 1926 तक बुगाटी की पहली लग्जरी कार टाइप 41 बुगाटी रॉयल अस्तित्व में आई। उस समय यह दुनिया में बनी अब तक की सबसे लंबी और सबसे शानदार कार थी। बुगाटी टाइप 41 के लिए अपने ग्राहकों का चयन बहुत बारीकी से करती थी और केवल राजाओं और कुलीन लोगों को ही कार खरीदने की अनुमति थी, और यही कारण है कि टाइप 41 को जल्द ही बुगाटी रॉयल के नाम से जाना जाने लगा। जहां एक तरफ बुगाटी रॉयल के लॉन्च ने बुगाटी को बहुत प्रसिद्धि दी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बड़े बदलाव ने जल्द ही एटोरी की कंपनी को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। रॉयल के लॉन्च के 3 साल बाद अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक गिरावट ने दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक प्रभावित किया और रॉयल बुगाटी की बिक्री में भी गिरावट आई। 1930 के बीच में फ्रांसीसी सरकार ने रेल कारों के डिजाइन और निर्माण के लिए बुगाटी से संपर्क किया। कंपनी के दिवालिया होने की कगार पर खड़े होने और कोई अन्य विकल्प न होने के कारण बुगाटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरकार को 80 सफल बुगाटी रेल कार बनाकर दी, जिससे उन्हें और उनकी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने में मदद मिली। लेकिन जब चीजें बुगाटी के लिए बेहतर होने लगी तो फ्रांस के मोलशाइम में बुगाटी प्लांट में हड़ताल हो गई। मजदूरों ने ज्यादा पगार और बेहतर काम करने की स्थिति की मांग की। शुरू में एटोरी ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वह मान गया। लेकिन इस घटना ने एटोरी और उनके कार्यकर्ताओं के बीच अविश्वास पैदा कर दिया, जो वर्षों तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका। एटोरी को अपने बेटे जीन की प्रतिभा में एक शानदार साइड किक भी मिला। जीन एक जुनूनी इंजीनियर थे और अपने पिता की ही तरह मेधावी थे। एटोरी ने जीन को बुगाटी प्लांट का इंचार्ज बना दिया और जीन के नेतृत्व में अटलांटिक, द मजेस्टिक रॉयल और टाइप 57 जैसी बुगाटी मॉडल्स बनाए गए। बुगाटी के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहा जाता है ना कि एक पल आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, और एटोरी के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों बाद जीन बुगाटी एक कार के साथ एक रोड टेस्ट कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने पहले कई बार किया था। लेकिन अचानक कहीं से एक साइकिल चालक निकला। साइकिल चालक को बचाने के प्रयास में जीन ने कार को एक तरफ मोड़ा और पेड़ से जा टकराए, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खबर सुनकर एटोरी टूट गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और अब एटोरी ने अपने पसंदीदा लड़के को भी खो दिया। कुछ ही समय बाद जर्मनी की सेना ने आक्रमण किया और बुगाटी के सभी प्लांट्स को अपने कब्जे में कर लिया। बुगाटी अपने परिवार के साथ पेरिस भाग गए और वहां एविएशन इंजन और टॉर्पीडो बोट्स को डिजाइन करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वैसे तो बुगाटी ने अपना अधिकांश जीवन फ्रांस में ही बिताया, लेकिन वह इटालियन थे और कभी भी फ्रांस की नागरिकता लेने का नहीं सोचा। इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तो फ्रांस की सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया, और क्योंकि इटली अब जर्मनी के अंडर था, एटोरी पर जर्मन्स का सहयोग करने का आरोप लगाया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी को वापस पाने का प्रयास किया और राज्य पर मुकदमा करने का फैसला किया, लेकिन हार और भी बदतर तब हो गई जब 1944 में एटोरी की पत्नी बारबरा का निधन हो गया और वह अपने जीवन के सबसे निचले पॉइंट पर था। एटोरी ने आखिरी बार अपने खंडहर पड़े कारखाने को देखने के लिए मोलशाइम का दौरा किया। एटोरी ने फ्रांस की नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया ताकि उसे उसके अधिकार वापस मिल सके। उसके बाद 1947 में जब एटोरी 66 वर्ष के थे, तब उन्हें फेफड़ों की बीमारी हो गई। इसी बीच उनकी कंपनी को बहाल कर दिया गया और एटोरी की संपत्ति आखिरकार उन्हें वापस कर दी गई। लेकिन यह अच्छी खबर एटोरी के लिए बहुत देर से आई, क्योंकि अब एटोरी की मानसिक हालत उतनी अच्छी नहीं थी और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा था। कंपनी वापस मिलने के ठीक 10 दिनों बाद एटोरी की मृत्यु हो गई। उनके परिवार के सदस्य उनकी कारों का निर्माण चलाने में असमर्थ थे और आखिरकार बुगाटी के प्लांट्स को बंद करना पड़ा और कई वर्षों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया। में रोमानी आर्टियोली नाम के एक इटालियन बिजनेसमैन ने कंपनी को खरीदा और बुगाटी ब्रांड को दुनिया में रीलॉन्च किया। 5 साल बाद दुनिया के लिए पूरी तरह से नया मॉडल बुगाटी EB110 पेश किया।
यह नई कार 213 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम थी, लेकिन दुख की बात यह है कि कार की केवल 139 यूनिट्स ही बन पाई। इसके बाद 1995 में मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद आता है साल 1998 जब वोक्सवैगन ने बुगाटी ब्रांड का अधिग्रहण किया और हमारे सुपर कार ब्रांड बुगाटी को एक बार फिर से दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने एक नई कार बनाई। 2005 में बुगाटी वेरॉन को बनाया गया और यह दुनिया की सबसे बेहतरीन कारों में से एक बन गई, जो विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक की सड़क पर चलने वाली सबसे तेज कार बन गई, जो 254 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक जा सकती थी। 2015 में बुगाटी वेरॉन को डिसकंटिन्यू करते हुए बुगाटी शिरोन से रिप्लेस कर दिया गया। 2019 में कंपनी ने अपनी बुगाटी शिरोन के साथ फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो अविश्वसनीय रूप से 305 मील प्रति घंटे की नई टॉप स्पीड पर चलने में सक्षम थी। तो दोस्तों, यह थी बुगाटी और एक ऐसे व्यक्ति की सपनों की कहानी जो अपनी दुखद मौत के दशकों बाद भी जीवित है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी और रोमांचक कहानी के साथ।